पंचकुला के बाद चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर यानी शहर के प्रथम नागरिक को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि कौन होगा शहर का प्रथम नागरिक। लेकिन यहां पर पंचकुला की तरह सीधे चुनाव नहीं होते, पार्षद ही अपना महापौर चुनते हैं, जिससे कोई खतरा नहीं लगता क्योंकि नगर निगम में भाजपा के पास पहले बहुमत है। उनके पास 20 अपने पार्षद हैं, जबकि एक मत सांसद का भी है, इसलिए भाजपा का प्रत्याशी ही प्रथम नागरिक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे आज नॉमिनेशन के बाद महापौर के चुनाव 8 जनवरी को होंगे, जिसमें औपचारिक घोषणा की जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास मात्र 5 पार्षद हैं व एक अकाली पार्षद है, जो कि पहले भाजपा गठबंधन के साथ होते थे, लेकिन अलग होने के बाद वह किसकी तरफ रुख करेंगे, बड़ा सवाल पैदा होता है। दर्शकों को यहां यह बताना आवश्यक है, अभी तक भाजपा में गुटबाजी के कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। चाहे वर्ष 2017 की बात करें, जब वित्त एवं अनुबंध समिति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके हीरा नेगी को हरा दिया गया था। इससे पूर्व 2015 में भी जब हीरा नेगी को महापौर के लिए खड़ा किया गया था, उस समय भाजपा चाहती तो हीरा नेगी जीत सकती थी, लेकिन पार्टी में गुटबाजी के कारण कांग्रेस की पूनम शर्मा बाजी मार गई थी। वर्ष 2019 में जब राजेश कालिया को महापौर का प्रत्याशी घोषित किया गया था, तब सतीश कैंत बगावत करते हुए नामांकन दाखिल कर लिए, जिस कारण कांग्रेस प्रत्याशी शीला फूल सिंह को अपना नाम वापस लेना पड़ गया था। उस समय जमकर क्रॉस वोटिंग हुई थी, कैंत को 11 और राजेश कालिया को 15 वोट हासिल हो पाए थे। 2018 में द्वेश मोदगिल के खिलाफ आशा जायसवाल ने बगावत की थी। अब देखना है कि 8 जनवरी को भाजपा में गुटबाजी के कारण क्रॉस वोटिंग होती है या नहीं। पिछली बार भी महापौर के पद पर 2 क्रॉस वोटिंग होने के समाचार मिले थे। इससे पूर्व नगर निगम में मनोनीत पार्षदों की अहमियत होती थी, लेकिन जब से हाई कोर्ट ने मनोनीत पार्षदों की वोटिंग का अधिकार छीना है, तब से उनकी अहमियत कम हो गई है। अब भाजपा आलाकमान ने सभी स्थानीय नेताओं की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए रविकांत शर्मा को मेयर, महेश इंद्र सिद्धू वरिष्ठ उप महापौर व फर्मिला को उप महापौर का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब देखना है कि भाजपा बागियों को कैसे शांत रखने में कामयाब होती है। शहर के पास में है, पूरी गति लाइन हम लेट शुरू हुई है, कोई क्वेश्चन जरूर मार देना है। विकास के मेन मुद्दे कौन से हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं शहर में, सर जैसे कि लास्ट साल काम हुआ कोविड की वजह से, तो इस पर क्या मुद्दे रहेगा शहर के लिए? थोड़ा सा कैमरा बार करना, चाहे वो कारपेटिंग का काम हो, चाहे वो सीवर का हो, चाहे वो पानी का काम हो, चाहे काम हो, जो कॉरपोरेशन के अंडर आते कोई भी काम है पेंडिंग नहीं रहने दिया जाएगा। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो है वो वचनबद्ध है शहर की जनता के लिए काम करने के लिए। आखिर सारे में नॉमिनेशन आया है, इसमें बिल्कुल बिल्कुल एंड मूवमेंट है, ऐसा थी हमारे अधिकारी जो दिल्ली से आ रहे थे, रास्ते में कहीं ना कहीं लेट हो गया, लेट पहुंचे हैं इस वजह से, अदरवाइज देखिए बीजेपी एक सहमी हुई पार्टी है, डरी हुई पार्टी है, महदूद पार्टी है। जो इन्होंने कुकर्म 5 साल में किए हैं यहाँ पे कॉरपोरेशन के अंदर, भ्रष्टाचार, उसके अलावा जो शहर को दुखी की और जो टैक्स लगाए हैं उसको देख के इनके अंदर मन में एक डर बैठा हुआ है, किसको मेयर बनाए जो अगला चुनाव जिता सके। ये चुनाव कोई मेयर नहीं जिताएगा, चुनाव जनता जिताएगी। सर लास्ट डेट पे ही क्यों दिया गया नॉमिनेशन? हमारा नॉमिनेशन हमने तो कैंडिडेट 4 दिन पहले फाइनल कर दिए थे। किन बातों का ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार को खड़ा किया? देखिए हमारे उम्मीदवार सक्षम हैं, हमारे उम्मीदवार ईमानदार हैं, मेहनती हैं,
अपने अपने वार्ड में उनके काम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस मेहनत के साथ बबला जी ने, सतीश कैर ने, गुरबख्श रावत ने, शीला जी ने, रविंदर कौर ने अपने अपने इलाके में खूब काम किया है और जनता इनके साथ। बिल्कुल टक्कर में है, हमारा उम्मीदवार हमेशा टक्कर में रहा है। ये ठीक है, मेजोरिटी को दुनिया सैल्यूट करती है, हम भी सैल्यूट करते हैं क्योंकि मेजोरिटी जनता देती है। यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि मेयर के बारे में इनकी जो धारणा आज बनी हुई है कि शायद मेयर अगला चुनाव जिताएगा, चुनाव जनता जिताएगी, चुनाव जो आज जनता दुखी है उस दुख से भारतीय जनता पार्टी के किस तरह से फार्मर से लेके महिला से लेके युवा तक, छात्र तक, मुलाजिम तक, हर आदमी इनके जो कार्य जो उन्होंने किए हैं पिछले 6 साल में से दुखी है। और विशेषकर कॉरपोरेशन में कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ टैक्स लगे और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। हम जनता को यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत जल्द इनसे आपको छुटकारा दिलाएंगे और वापस उसी तरह से नगर निगम में जैसे हमारे मेयर रहे हैं पहले, इससे पहले उसी तरह कॉरपोरेशन के पास पैसा भी होगा, हम पानी के रेट भी कम करेंगे, हम लोग लोगों को राहत भी देंगे और विकास कार्य पूरे शहर में, गांव में, कॉलोनी में बिना किसी भेदभाव के। सर क्या गणित लेके आप? सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। वो तो हम भरे हैं जी, जो है ठीक है, 8 तारीख की वेट कर रहे हैं क्योंकि कई बार बहुत इतिहास लिखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने कि एक आदमी कांग्रेस का उसको भी मेयर बना दिया इन्होंने। ये अपनी अंदरूनी लड़ाई लड़ते हैं चंडीगढ़ की शहर की जनता के लिए, इनका कोई भी नहीं है कि हम चंडीगढ़ की शहर की जनता के लिए करें। अपना है मैं, बस अपना मैं मेयर बन जूँ, मैं सीनियर डिप्टी मेयर बन जूँ, मैं ये बन जूँ, हमारे में अंदर कोई नहीं है, हमारा सब हम मिलजुल कर जो है कर रहे हैं। इंदिराज हमने शहर को जो है, हमारा मेन एजेंडा ये रहेगा शहर को हमने विकास करना है जो पिछले 4 सालों से रुका हुआ है, हमारा मेन एजेंडा ये है। सर जो टैक्स पे टैक्स लगे हैं लोगों पर, उसके लिए आपने क्या सोचा? मैंने ये कह दिया ना कि अगर मैं मेयर बनता हूँ, वैसे हमारे पास संख्या कम है पर उसका वाहेगुरु का महामाई का कोई पता नहीं क्या कर देता है। सबसे पहले जो टैक्स लगाए इन्होंने उस टैक्सों को हटाएंगे हम, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े। अगर मुझे मेयर के पास से इस्तीफा भी देना पड़ा कि अगर मैं नहीं करा सका, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं आज आपके कह के जा रहा हूँ। एंड टाइम पे उम्मीदवार चुन के आए हैं कांग्रेस के, अभी आज एंड टाइम पे आज उम्मीदवार चुन के आए हैं मेयर पद के लिए, तो क्या परेशानी आ रही थी कि एंड टाइम पे हमारे नहीं, हमारा तो फैसला 2 तारीख को ही हो गया था। हम तो इनका ही वेट कर रहे थे, इनकी वेट कर रहे थे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।